Hi all, welcome you all into the class of English Literature. Students, in this video we will read chapter 5th of class 7th. That's a poem. The title of this poem is A Night with the Wolf. That's a very interesting poem. In this poem, there is a man who's telling a story to his son. So let's start this poem. Little one, come to my knee. Hark how the rain is pouring. अब इसमें ये मैन जो है अपने छोटे बच्चे से बोल रहा है कि हे छोटे बच्चे, come to my knee, मतलब आओ, टू माई नी मतलब मेरे घुटनों के पास हो. देखो ये घुटनों के बल बैठा हुआ है तो अपने बच्चे को बोल रहा है कि मेरे घुटने के पास आओ, मीन्स मेरी गोद में आओ. हार्क हाउ द रेन इज फोरिंग. हार्क मीन्स सुनो, लिसन होता है. तो सुनो हाउ द रेन इज फोरिंग, कैसे मूसलाधार बारिश हो रही है. पोरिंग मीन्स ऐसे तो उकेरना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सेंस है वो आएगा कि खूब तेज़ बारिश होना. तो अपने बच्चे से बोल रहा है कि मेरी गोद में आओ, कितनी तेज़ बारिश हो रही है. ओवर द रूफ इन द पीच डार्क नाइट. ओवर द रूफ मतलब छत पर. इन द पीच डार्क नाइट मतलब इस अंधेरी रात में छत पर कितनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है. एंड द विंड्स इन द वुड्स, और जंगल में हवाएं भी रोरिंग रोर कर रही हैं, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही हैं. हुस माई डार्लिंग एंड लिसन देन पे फॉर द स्टोरी विद किसेज. उसके बाद वो बोल रहा है अपने बच्चे से कि माई डार्लिंग लिसन, लिसन मतलब सुनो या स्टोरी सुनो. देन पे फॉर द स्टोरी विद किसेस. उसके बाद ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें पे करना होगा, इस स्टोरी के बदले तुम्हें किस देना होगा, मतलब मुझे किस करना होगा, अपने बच्चे से बोल रहा है. Father was lost in the pitch black night in just such a storm as this is. उसके बाद ये उसके फादर बोल रहे हैं कि एक बार मतलब ऐसी ही अंधेरी और तूफान वाली रात में मैं खो गया था. एकदम ऐसे ही वो रात थी. हाई ऑन द लोनली माउंटेन. हाई मतलब खूब ऊपर माउंटेन पर, अकेले मतलब कि पर्वत पे खूब अकेले ही जो है खूब ऊंचे पर्वत पर मैं खो गया था. वेयर द वाइल्ड मैन वॉच्ड एंड वेटेड, जहाँ पर मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पर जंगली लोग, जंगली जो आदमी होते थे वहाँ पे जंगल में रहने वाले, वो लोग वी वॉच्ड, वॉच्ड मतलब देखा करते थे. एंड वेटेड और इंतज़ार करते थे, मीन्स समझ में आ रहा है आपको कि ऐसी जगह पर्वत पे मैं अकेले ही खूब ऊंचे पर्वत पे खो गया था, जहाँ पे जो जंगली लोग होते हैं हमेशा देखा करते थे कि कौन जा रहा है और वेट करते थे उनका, किस उद्देश्य से, उनको लूटने पाटने के लिए. ओके. वॉल्स इन द फॉरेस्ट, और जंगल में भेड़िया, और बियर्स इन द बुश, और झाड़ियों में भालू रहते थे. एंड आई ऑन माई पैथ विलेटेड, और मैं अपने रास्ते पर लेट भी हो गया था. मीन्स समझ में आ रहा है कि ये जो मैन है वो जहाँ जा रहा था वहाँ के लिए लेट भी हो गया था और वहाँ पे फंस गया था. द रेन एंड द नाइट टुगेदर केम डाउन एंड द विंड केम आफ्टर. देखिए बारिश और रात एक साथ केम डाउन आ गई थी, मतलब कि बरसात भी हो रहा था और रात भी हो गई थी. उसके तुरंत बाद
हवाएं भी आ गई थी, मतलब हवा भी बहुत तेज चलने लगी थी। बेंडिंग द प्रॉप्स ऑफ द पाइन ट्री रूफ्स एंड स्नैपिंग मैनी अ राफ्टर। देखिए पाइन ट्री रूफ का मतलब ना जो पेड़ है होता है ताड़ का, उसकी छत, छत तो होता नहीं है ऐसे पाइन ट्री का, तो मतलब कि ये पौधा जो है इतना घना है कि उसके नीचे ये शरण ले रहा था ये जो व्यक्ति है। एंड स्नैपिंग मैनी अ राफ्टर, और हवा इतनी तेज चल रही थी कि राफ्टर मिस होता है डालियाँ, ब्रांच मतलब छोटी छोटी जो डालियाँ वो, तो और हवाएं इतनी तेज थी कि जो जो डालियाँ थी पौधे पेड़ के वो जैसे स्नैप कर रही थी, मतलब कि मतलब तोड़ मड़ोड़ रही थी। ओके, जैसे नहीं खूब से हवा चलता है तो डाली वाली खूब हिलने डुलने लगता है, द सेम। आई क्रीप्ट अलोंग इन द डार्कनेस स्टर्न्ड एंड ब्रुइज्ड एंड ब्लाइंडेड, क्रीप्ट टू अ फर विद थिक सेट बब्स एंड अ शेल्टरिंग रॉक बिहाइंड ईट। अब देखिए, अब जो फादर है वो ये बोल रहे हैं कि आई क्रीप्ट अलोंग इन द डार्कनेस, मैं उस अंधेरे में मतलब फंस गया था। क्रीप्ट मतलब उस अंधेरे में मतलब वहाँ पे फंस गया था। स्टंड और स्टन था, स्टन मतलब कि चकित था। एंड ब्रूज्ड एंड ब्लाइंडेड, ब्रूज्ड मतलब कि जो है घायल भी हो गया था और लगभग अंधा हो गया था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्रेप्ट टू अ फीर विथ थिक सेट बब्स, अब वो बोल रहा है ना कि किसी तरह से जो है फीर मतलब होता है वो क्या बोलते हैं देवदार का वृक्ष, समझ रहे ना, वहाँ पर किसी तरह से वो रेंगते हुए पहुँच गया। उसकी जो बब्स मीन्स भी डालियाँ होती हैं बड़ी बड़ी डालियाँ, उसकी मोटी डालियों के नीचे। एंड शेल्टरिंग रॉक बिहाइंड इट, और उसके पास में एक रॉक था, चट्टान था, पत्थर, वहाँ पे वो शेल्टर लिया, शेल्टर मतलब वहाँ पे आश्रय लिया किसी तरह से, मतलब समझ में आया कि वो उस रात अंधेरे में फंस गया था और थोड़ा सा वो एकदम चकित हो गया था, लगभग उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी तरह से वो जो है देवदार के पेड़ के मोटे शाखाओं के पास पहुंचा और वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था, रॉक था, उसके पीछे वह शरण लिया। देयर फ्रॉम द ब्लोविंग एंड रेनिंग क्राउचिंग आई सॉट टू हाइड मी, अब यहाँ पे ये बोल रहा है, वहाँ पे खूब तेज जैसे हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। क्राउचिंग आई सॉट टू हाइड मी, अब वो सॉट मतलब ढूंढ रहा था, हाइड मीन्स छुपने के लिए, अपने आप को छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था या रुकने के लिए छुपने के लिए। समथिंग रस्टर्ड, रस्टर्ड मतलब ना तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ा सनसनाहट की। टू ग्रीन आईज सून, दो जो है हरी आँखें उसको दिखाई दी। एंड अ वुल्फ ले डाउन बिसाइड मी, और उसने क्या देखा कि एक भेड़िया जो है लेटा हुआ है उसके बगल में। लिटिल वन बी नॉट फ्राइटेंड आई एंड द वुल्फ टुगेदर, अब देखिए अब वो बोल रहा है फादर कि हम थोड़े से भी घबराए नहीं, मतलब थोड़े से भी डरे नहीं, हम मैं और वो भेड़िया एक साथ, साइड बाय साइड थ्रू द लॉन्ग लॉन्ग नाइट, एक साथ जो है एक पास जो है थे
और पूरी रात जो है काफ़ी लंबी टाइम तक जो है एक साथ ही थे। हीड फ्रॉम द ऑफुल वेदर, हीड मतलब छुपाए हुए थे इस मौसम से अपने आप को। हिज वेट फर प्रेस्ड अगेंस्ट मी। अब फादर ये बोल रहे हैं कि हिज वेट फर, जो फर होते हैं भेड़िया के, फर समझ रहे हैं ना, बाल, प्रेस्ड अगेंस्ट मी, मेरे एकदम समीप थे। ईच ऑफ अस वार्म्ड द अदर, और हम दोनों एक दूसरे को गर्माहट दे रहे थे, मतलब गर्मी प्रदान कर रहे थे। ईच ऑफ अस फेल्ट इन द स्टॉर्मी डार्क, द बीस्ट एंड मैन वर ब्रदर, और हम दोनों जो है स्टॉर्मी डार्क मतलब इस तूफानी अंधेरे को फील कर रहे थे, मतलब कि हम फील कर रहे थे, और जो द बीस्ट मतलब जो जानवर है और जो आदमी है एक भाई की तरह लग रहे थे दोनों। मतलब समझ में आया कि ये जो भेड़िया है और ये मैन दोनों एक पास ही बैठे थे, दोनों इतने एकदम सटे हुए थे, दोनों एक दूसरे को जब जैसे आपस में सटे रहते हैं तो गर्मी होती है ना थोड़ा सा, तो वही बोल रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को किसी तरह से उस ठंड से अपने आप को गर्म कर रहे थे, और हम दोनों जो है जंग वो जानवर और मैं दोनों भाई जैसे थे। एंड वेन द फॉलिंग फॉरेस्ट नो लॉन्गर क्रैश्ड इन वार्निंग, ईच ऑफ अस वेंट फ्रॉम आवर हाइडिंग प्लेस फोर्थ इन द वाइल्ड वेट मॉर्निंग। अब देखिए, एंड वेन द फॉलिंग फॉरेस्ट, और जब नो लॉन्ग क्रैश्ड इन द वार्निंग, अब जब सब कुछ सही हो गया तो ईच ऑफ वे अस वेंट फ्रॉम आवर हाइडिंग प्लेस, मतलब हम दोनों जो है अपने उस जगह से जहाँ छुपे थे वहाँ से चले गए, फोर्थ इन द वाइल्ड वेट मॉर्निंग, आगे निकल गए, मतलब वहाँ से चले गए उस गीली सुबह में। डार्लिंग किस मी इन पेमेंट, हार्क हाउ द विंड इज रोरिंग। अब देखिए, अब बच्चे से बोल रहा है कि मेरे प्रिय किस मी इन पेमेंट, अब मुझे किस दो, मतलब क्योंकि कहानी तो सुना दिया है तो अब उसको किस चाहिए। हाक सुनिए, सुनो, हाउ द विंड इज रोरिंग, देखो किस तरह से जो है हवा चल रही है, कितनी तेज हवा चल रही है। फादर्स हाउस इज अ बेटर प्लेस व्हेन द स्टॉर्मी रेन इज पोरिंग, बता रहा है कि जो पिता का जो घर है वो सबसे बेटर प्लेस है जब इतनी तूफानी बारिश हो रही हो तो। पिता का घर का मींस यहाँ पे सेंस ये आएगा कि वो अपनी गोद में बुला रहा है ना, तो वो जो है सबसे अच्छा प्लेस है उसकी बच्चे के लिए इस तूफानी बारिश में और मूसलाधार बारिश में। ओके।